नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्यानु टीवी। नित्यानु टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। और मैं आपके साथ विनोद कुमार भक्त की बड़ी खबर दतिया जिले से आ रही है। जी हां, आपको बता दें, लूट एवं चोरियों का 50,000 का इनामी गैंग सलाखों के पीछे। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दतिया पुलिस अधीक्षक के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य बड़ौनी, SDOP उपेंद्र दीक्षित, जिले के ग्राम जसावली थाना भगवापुरा एवं ग्राम सनोरा थाना जिगना में विगत कुछ महीने पहले लूट एवं डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें दोनों ही गाँव से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात अज्ञात बदमाश ले उड़े थे। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। इन चोरियों की गुप्ती सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। इन चोरियों को लेकर पुलिस 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। साथ ही चार थाना प्रभारियों को मामला सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा निर्देश दिए गए थे। आखिरकार शनिवार को मुखबिर की सूचना पर इन चोरियों से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़कर डकैती एवं लूट का पर्दाफाश हो गया है। जी हां, आपको बता दें दोनों ही घटना से जुड़े हुए अपराधियों के पास से 3,80,000 का मशरूका, 2 देसी कट्टे, अदिया बंदूकें सहित 7 जिंदा राउंड, 3 मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही इनाम की राशि पुलिस की टीम को देने की घोषणा की गई है। दतिया से रजनी लिटोरिया की खास खबर। 22 फरवरी की रात को थाना भगवापुरा के जसावली गांव में काफी गंभीर घटना घटित हुई थी। वहां दो वृद्ध भाई शीतल प्रसाद और ज्ञान प्रसाद, उनके साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर मारपीट की गई और उनके पैसे और घर से जेवरात लूट कर ले गए। क्योंकि वो दोनों काफी वृद्ध थे और अकेले रहते थे, घटना काफी गंभीर थी और हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण एक चैलेंज था। उसके तत्काल बाद टीम एक्टिव हुई, मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। जो भी संभावित एंगल थे उनके पड़ताल की गई। इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाई थी, अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क दिए थे। और जो एक टीम थी हमारी गिरीश शर्मा थाना प्रभारी सेनागर, रविंद्र शर्मा, रघु गुप्ता थाना प्रभारी भगवापुरा लांच भगवापुरा के ब्रांच, उनकी टीम ने गांव के ही एक जो बदमाश है मुकेश, उस पर फोकस किया, उसकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया। और उसके बाद में वो और उसके साथी, इसमें 3 लोग जुझारपुरा के हैं, महेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, मुकेश रजक और एक बड़ा पुरुषा का सीताराम रजक है। सबसे पहले मुकेश चौहान को पकड़ा गया, उसने घटना स्वीकार की और उसके साथी कौन कौन थे उसके बारे में बताया। और ये 4 लोग हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरा जो माल मशरू का लूटा गया था वो इसमें रिकवर किया गया है, पूरा जो कैश था वो और सोने चांदी के जेवर कुल 1,80,000। साथ ही घटना में जो 3 बाइक लूट की गई थी उनको भी जब्त किया गया है, 2 कट्टे, 1 अधिया और 7 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। इसमें से जो 3 बदमाश हैं जुझारपुरा के, महेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, मुकेश रजक, इनके द्वारा 5 मार्च को जिगना थाना क्षेत्र के सनोरा गांव के अंदर भी एक बड़ी चोरी की जो घटना हुई थी वो करना भी कबूला गया है। और 1,00,000 रुपये कैश और 80,000 रुपये के आभूषण, टोटल 1,80,000 रुपये का मशरूका उनसे जब्त किया गया है। दोनों ही घटनाएं काफ़ी गंभीर थी और इसमें जो लूट की घटना थी जसावली गांव की, उसमें प्रत्येक अज्ञात आरोपी 7,000 का, और सनोरा गांव की चोरी की घटना में प्रत्येक अज्ञात आरोपी 5,000 का इनाम था। तो कुल 50,000 का इनाम हमारी जो टीम है उसमें दिया जाएगा। और क्योंकि इस घटना को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में एक आ जाता है असुरक्षा का भाव, तो हम चाहते थे जल्द से जल्द इस केस को क्रैक करें। और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम ने केस क्रैक किया है। और इनमें से जो 3 लोग हैं उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो शीघ्र ही हम उन पर जिला बदल की कार्रवाई भी।